मैं हंस रही थी। जैसा कि आप इस समय खबर आ रही है मुख्तार अंसारी की मृत्यु हो गई है, उसका मेन कारण क्या है? क्या उनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है या किसी प्रकार का उनको जहर दिया गया है? आपको सूचना के अनुसार सब कुछ ढेर सारी जानकारी देंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो उसको लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। दूसरी बात बताते चले कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मुख्तार अंसारी के बारे में, कौन आज इंडिया में नहीं जानता। उत्तर प्रदेश में सबसे बाहुबली के नाम से मुख्तार अंसारी, इनके बेटे भी हैं अब्बास अंसारी, जो एक प्रकार के बहुत ही प्रचलित नेता सपा पार्टी के रहे, कभी कभी ये बसपा पार्टी के भी सांसद रह चुके हैं और विधायक रह चुके हैं। आपको बताया कि मऊ में भी इन्होंने विधायक की पद से जीत हासिल की थी, और ये भी बताएं कि गाजीपुर के रहने वाले सदस्य थे और इनका वर्चस्व इतना ज़्यादा था, पूर्वांचल में लोग कहते हैं कि ये पूर्वांचल में गरीबों के मसीहा भी माने जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों का वहीं ये कहना है कि ये गुंडई पर यानी माफिया का काम करते थे, असमंगली का भी कार्य करते थे, लेकिन ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लोगों का कहना जो मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी बात ये भी, चल आज ये दुनिया में नहीं है लेकिन इनकी छवि कहीं न कहीं लोगों के दिल में है, चाहे भयावत रूप से हो चाहे एक सहानुभूतिक रूप से हो, क्योंकि कोई भी इंसान जो होता है किसी का अनचाहा कभी नहीं चाहता है, कभी भी वो गलत कदम पर, जैसा कि सभी आप जान ही रहे हैं कि कम से कम जब से ये जेल गए और पंजाब की जेल में तिहाड़ जेल में भी इनको बंद करके रखा गया, फिर भी लोगों का कहना है कि ये कुछ राजनीतिक जेल में बैठे बैठे भी करते थे। आपको बता दें कि इनकी मौत कल 12:30 बजे हुई और आज इनका पोस्टमार्टम के माध्यम से ये बिल्कुल पता चला है कि उनकी मौत जो हुई है बिल्कुल हार्ट अटैक से हुआ है। डॉक्टरों का ये कहना है, डॉक्टर की पूरी टीम लगी हुई थी इनको जांच करने के लिए, और इनकी जो रिपोर्टिंग आई है यानी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट यहाँ आई है बिल्कुल सही आई है, डॉक्टरों का तो यही कहना है। लेकिन कुछ भी हो सकता है, किसी की सरकार की हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लोगों का मानना है, लोगों का कहना है। कुछ लोग उसी में ये भी कहते हैं कि ये तो साजिश थी बीजेपी की सरकार थी, क्योंकि आदित्यनाथ योगी भी बिल्कुल इनके ऊपर खपा रहते थे, और इनके ऊपर ही नहीं दुनिया में यानी उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार का माफिया कोई है उनके ऊपर गाज गिरेगी, ये बीजेपी सरकार के आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी खुद कहते हैं, माफियाओं को मैं मिट्टी में मिला कर रहूँगा, यदि सांस में सांस है एक दिन उनको मिट्टी में मिला कर रहूँगा। आपने कुछ ऐसे भी दबंग लोगों को देखा होगा जो मिट्टी में पल भर में चले गए जा चुके हैं। आज स्थिति ऐसी भी आती है कि माफियाओं का नाम लेते ही से लोग कांपते हैं। बीजेपी सरकार भी कुछ ऐसे कदम कार्य करती है जो लोगों के लिए सराहनीय है। दूसरी बात ये भी बता देते हैं, मुख्तार अंसारी लोगों के लिए मसीहा भी थे और लोगों के लिए बुरा भी थे। कहने का मतलब ये है कि बुरे के साथ बुरा और अच्छे के साथ अच्छा का भी कार्य करते थे। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, थोड़ी सी भी पसंद आई हो, तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।